बॉबी जैमिनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह, गिरफ्तारी पर की संरक्षण की मांग। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों के मद्देनजर गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने गिरफ्तारी से बचने की बीजेपी उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताते हुए पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर संज्ञान लिया। बता दें कि पिछले हफ्ते बीजेपी नेता अर्जुन सिंह को पाटपाड़ा नगर निकाय के अध्यक्ष पद से गुप्त मतदान के जरिए हटा दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस से पाला बदल कर बीजेपी में जाने वाले सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। भाटपाड़ा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस से चार बार विधायक रहे 14 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए थे, क्योंकि वह बैरकपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। भगवा दल ने उन्हें बैरकपुर से टिकट दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा के 34 सदस्य नगर निवास में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। सिंह 2010 से इस पद पर आसानी से सिंह बैरकपुर सीट से तृणमूल के दो बार के सांसद विदेश त्रिवेदी के खिलाफ मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव 2019 नॉर्थ कोलकाता और अमृतसर के इन बूथों पर आज दोबारा करवाई जा रही है वोटिंग। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पश्चिम बंगाल के एक और पंजाब के एक पोलिंग बूथ पर बुधवार 22 मई को दोबारा मतदान कराया जा रहा है। दोनों पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदाताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को हुई है और 23 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। सूबे के नॉर्थ कोलकाता के पोलिंग नंबर 200 पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है। यहां 19 मई को वोटिंग करवाई गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे निरस्त कर दिया था। यहां सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक करवाई जाएगी। हालांकि सूबे में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान कई बार हिंसा देखने को मिली है। अमृतसर लोकसभा सीट के बूथ नंबर 123 पर भी दोबारा वोटिंग हो रही है। यहां 19 मई को मतदान करवाया गया था। इस दौरान चुनाव आयोग ने मतदान के समय आई गड़बड़ी को देखते हुए चुनाव रद्द कर दिया था और दोबारा वोटिंग करवाने के आदेश दिए थे। बताया गया है कि इस पोलिंग स्टेशन पर लगाए गए वेबकास्ट कैमरे से पता चला है कि चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और लापरवाही के चलते वोटिंग को निरस्त कर दिया गया था। सीजीआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामला, एससी के पूर्व जस्टिस लोकुर ने कहा महिला को मिलनी चाहिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में शुरुआत में संस्थागत पक्षपात को रेखांकित करते हुए कहा कि पूर्व महिला कर्मचारी के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं हुआ। जस्टिस लोकुर पिछले ही साल दिसंबर में रिटायर हुए थे, साथ ही उन्होंने महिला को जांच रिपोर्ट सौंपने की भी वकालत की। जस्टिस लोकुर दरअसल जस्टिस गोगोई सहित सुप्रीम कोर्ट के उन चार जजों में शामिल है जिन्होंने जनवरी 2018 में मीडिया के सामने आकर न्यायालय में केसों के बंटवारे को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय सीजीआई दीपक मिश्रा थे। इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे लेख में जस्टिस लोकुर ने कहा महिला को आंतरिक समिति की रिपोर्ट जरूर सौंपे जानी चाहिए, ऐसा इसलिए ताकि महिला को उन सवालों का जवाब मिल सके तो उसके और दूसरों ने इस मामले में उठाए थे। जस्टिस लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए रिपोर्ट की कॉपी शिकायतकर्ता को देने पर सवाल उठाए। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।